नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, फ्यूचर रिटेल के शेयर में हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल के चेयरमैन किशोर बयानी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बता दें कि उन्होंने 23 जनवरी को इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है। बता दें कि उन्होंने 23 जनवरी को इस्तीफा दिया था, हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल की वित्तीय सेहत बहुत ही ज्यादा खराब है। यस बैंक का लोन चुकाने में फ्यूचर रिटेल नाकाम रही है। वहीं फ्यूचर रिटेल ने बैंक ऑफ इंडिया के लोन पर डिफॉल्ट कर दिया, जिसके बाद इस कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो गई। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि लेटर के जवाब में कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने 1 फरवरी 2023 को भेजे मेल के जरिए लेटर में बताई गई बातों और बयानी के इस्तीफे पर विरोध जताया था, और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बयानी से अपना इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश की थी। दोस्तों, इसमें यह भी बताया गया है कि बयानी ने 10 मार्च को लिखे अपने लेटर के जरिए अपना इस्तीफा जो है वो वापस लेने की जानकारी दी थी, और इसकी जानकारी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 14 मार्च को मिली। दोस्तों, बता दें कि फ्यूचर रिटेल ने बैंक ऑफ इंडिया के लोन पर डिफॉल्ट किया था, और इस फ्यूचर रिटेल को कर्ज देने वाले बैंकों ने फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनियों के 24,713 करोड़ रुपए के टेक ओवर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसके बाद फ्यूचर रिटेल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। दोस्तों, पिछले हफ्ते फ्यूचर रिटेल के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसमें कंपनी के पहले और अभी के डायरेक्टर पर बैंक को हुए 14,000 करोड़ रुपए के लॉस के लिए जिम्मेदार बताया गया था, और इसके बाद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अभी और पहले के डायरेक्टर के मामले में ट्रिब्यूनल से ऑर्डर मांगे थे। उनका मानना है कि इस पैसे का पेमेंट इन डायरेक्टरों को करना चाहिए, ना कि कंपनी को। दोस्तों, बेसिकली रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का ये कहना है कि 14,800 करोड़ रुपए के पैसे के जिम्मेदार हम नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हिसाब से इन पैसे के जिम्मेदार ये डायरेक्टर हैं। दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इसमें क्या फैसला निकल कर आता है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने पैसे इसमें डूबे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।